दोस्तों, अगर बात गर्मियों की हो ना, तो गर्मियों में सबसे ज़्यादा जो आपको चीज़ अट्रैक्ट करती है, मुझे लगता है वो होती है कुल्फ़ी, है ना। मुझे बड़ी पसंद है ऐसे कुल्फ़ी निकाल के, ऐसे जो होती है ना खोए वाली, तो ऐसे निकाल के वो लोग खाते हैं, वो मुझे बहुत पसंद है। आइसक्रीम से ज़्यादा पसंद मुझे कुल्फ़ी है। तो कुल्फ़ी का बिज़नेस आज आपको बताने वाली हूँ, क्योंकि जब भी बैठे बैठे मुझे ऐसा लगता है कि यार आज क्या खाने का दिल कर रहा है, तो लगता है कुल्फ़ी, तो लगता है कि यार कुल्फ़ी का बिज़नेस कैसे शुरू कर सकते हैं। तो पूरी टीम मिलकर रिसर्च करती है और आपके लिए वीडियो बनाती है, तो बहुत मेहनत करते हैं हम लोग। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखा कीजिए और बताया कीजिए कमेंट सेक्शन में कि आपको हमारी मेहनत कैसी लगी, और आप अगर बिज़नेस शुरू कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो आपको हमारे आइडियाज़ कैसे लगे। तो बेल आइकन का बटन दबाइएगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा अपनी राय, और हाँ, सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल। तो चलिए बताते हैं आपको कुल्फ़ी के बिज़नेस के बारे में। कभी आपने मटके वाली कुल्फ़ी खाई होगी तो याद आ जाएगी कि कुल्फ़ी वाला मटके से पानी के बीच से एक डिब्बा निकालता था। पहले उस पर लगी रबड़ को हटाता था, फिर उस डिब्बे को पानी में डुबा कर उसमें जमी कुल्फ़ी को बाहर निकालता था। कुल्फ़ी का नाम सुनते ही यकीनन मुंह में पानी आ जाता है। गांव हो या कस्बा, नगर हो या महानगर, कुल्फ़ी हर जगह मिलती है, हर जगह इसकी डिमांड होती है। इस डिमांड का लाभ उठाने के लिए कोई भी व्यक्ति बिजनेस कर सकता है, इसके लिए कोई विशेष ट्रेनिंग की ज़रूरत भी नहीं। वैसे भी एक साल से COVID-19 के बढ़ते प्रकोप और लॉकडाउन के कारण अनेक लोगों की नौकरी चली गई। इस दौरान प्रवासी मजदूरों की इतनी अधिक दुर्दशा हुई कि लोग अभी भी इस बात को लेकर संशंकित है कि पता नहीं स्थिति में सुधार कब आएगा। इसलिए जिनकी नौकरी पक्की हो गई वो बाहर आ गए, वरना बहुत से लोग अभी भी गांव छोड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। ऐसे समय में जब महामंदी चल रही है और लोगों को नौकरी छूट रही है, उन लोगों के लिए कुल्फी का बिजनेस करना बेहद फायदेमंद है। गांव हो या शहर, हर जगह कुल्फी का बिजनेस है आसान। कुल्फी का बिजनेस करना बहुत आसान है, सभी जगह कुल्फी का बिजनेस बहुत ही आसानी से किया जा सकता है। कुल्फी बनाने में 2 घंटे का समय लगता है और उसे बेचने में 3 से 4 घंटे का। इतने समय में कोई व्यक्ति अच्छी कमाई कर सकता है, इसके लिए बस उनके हाथों का हुनर चाहिए। कुल्फी का बिजनेस करने वालों के हाथ में हुनर के साथ मिलनसार मधुर व्यवहार तो होना ही चाहिए। कुल्फी का बिजनेस करने के लिए क्या क्या चाहिए? यदि आप सोच रहे हैं कुल्फी का बिजनेस करने के लिए सामान की बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट होगी, तो ये गलतफहमी है आपकी। इसमें कोई विशेष सामान चाहिए ही नहीं, ना ही ऐसा कोई सामान इसमें लगता है जो गाँव कस्बों में नहीं मिलता। रोजमर्रा के काम में आने वाली चीजें कुल्फी बनाने में काम आ जाती हैं। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए लंबी चौड़ी महंगी दुकान की आवश्यकता भी नहीं, बहुत ही छोटे पैमाने पर इस बिजनेस को आसानी से शुरू किया जा सकता है। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए जो आवश्यकता आपको पड़ेगी वो है एक 4-पहिया ठेला या साइकिल, एक कुल्फी जमाने वाली पेटी या मटका, कुल्फी जमाने वाले सांचे, एक कढ़ाई, दूध मावा खौलाने के लिए एक चम्मच, एक गैस स्टोव या लकड़ी वाला चूल्हा। कुल्फी जमाने के लिए कच्चे माल की भी जरूरत पड़ती है। ये सारा कच्चा माल प्रत्येक बाजार में आसानी से मिल जाता है, लेकिन बिजनेसमैन को चाहिए कि वो यदि ये सामान थोक मंडी से लाता है तो उसे कुछ पैसे बचेंगे जो उसके मुनाफे में शामिल हो जाएंगे। इस कच्चे माल की सूची इस प्रकार है: दूध, चीनी या शक्कर, मावा या खोया, इलायची, कस्टर्ड पाउडर, खाने वाला कलर, ड्राई फ्रूट, काजू, पिस्ता बादाम, नारियल गरी, बर्फ, नमक, चावल के बने कोन जिसमें कुल्फी भरी जाती है। कैसे बनाई जाती है कुल्फी? कुल्फी बनाना बेहद आसान है, इसके लिए एक बार आप किसी को कुल्फी बनाते या जमाते देख लेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। सबसे पहले दूध को कढ़ाई में उबालते हैं। दूध को लगभग 15 से 20 मिनट तक उबालने के बाद इसमें आधा हिस्सा खोया या मावा डालते हैं, फिर इलायची और चीनी, इसके बाद ड्राई फ्रूट्स भी डालते हैं। ड्राई फ्रूट डालना जरूरी नहीं, इसके बिना भी कुल्फी बनाई जा सकती है। अब दूध को आधा घंटा पकाएं और जब दूध हल्का गाढ़ा हो जाए तो उसे ठंडा करने के लिए रख दें। ठंडा होने के बाद उस दूध को सांचे में डाल दें। सांचे को बर्फ और नमक की खास पेटी में लगा देते हैं। 15 से 20 मिनट में कुल्फी जमकर तैयार हो जाती है। यदि मटके में जमानी हो तो पहले सारे सांचे में दूध भरकर उसको अच्छी तरह से पैक करके मटके में डाल दीजिए और उसके ऊपर बर्फ और नमक भरकर उसे आधे घंटे तक लगातार हिलाया जाता है। इसके बाद कुल्फी जम जाती है। इसके अलावा फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी FSSAI से फूड लाइसेंस लेना होता है। कितनी लागत आएगी कुल्फी के ठेले के बिजनेस में? कितनी लागत आएगी? घर के काम आने वाले सामान से कुल्फी की रबड़ी तैयार की जा सकती है, तो इसके लिए आपको अलग से कोई खर्च करने की जरूरत नहीं, आपकी लागत बहुत कम आएगी। आपको जमाने के लिए स्पेशल पेटी या मटका बनवाना होता है। पहले सांचे के रूप में पान मसाले के डिब्बे का इस्तेमाल होता था जो बहुत सस्ते में मिल जाते थे। अब कुल्फी के सांचे बनवाने होते हैं जो मार्केट में आसानी से मिल जाते हैं। ये सांचे और उसका ढांचा भी आसानी से मार्केट में मिल जाता है। वर्तमान समय में तो साइकिल पर कुल्फी लेकर फेरी लगाते हैं, उन्हें तो अब इन सांचों की जरूरत भी नहीं, क्योंकि जमी हुई कुल्फी को चावल से बने कोन में भरकर बिजनेस करते देखा गया है।
इस तरह से 10,000 रुपये में आप अच्छी तरह से कुल्फी का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। मुनाफा कितना आएगा? बिजनेसमैन के मन में ये सवाल हमेशा रहता है कि मुनाफा कितना मिलेगा। ये बिजनेस बिजनेसमैन की स्किल पर निर्भर करता है कि वो फिजूल खर्ची पर अंकुश लगाकर अपना मुनाफा बढ़ाए, कच्चा माल कितना सस्ता खरीद पाता है। इन सब के बावजूद इस बिजनेस में मुनाफा काफी अधिक है। इस बिजनेस के अनुभवी लोगों का मानना है कि इस बिजनेस में 50% तक मुनाफा मिल सकता है। तो देखा कितना आसान है ये कुल्फी का बिजनेस शुरू करना। आप कम लागत में इसे शुरू कर सकते हैं और जितना बजट आपका है उस बजट के हिसाब से आप इस बिजनेस को आगे परस्यू कर सकते हैं। तो मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिए, कुल्फी खाते रहिए, लेकिन हाँ ठंडा थोड़ा सा अभी कम खाइए क्योंकि गले में इफ़ेक्ट पड़ता है और कोविड की वजह से कहा जा रहा है कि आप थोड़ी गर्म चीज़ें ज़्यादा खाइए। तो चलिए फिलहाल इतना ही, अपना ख्याल रखिए। ओके क्रेडिट बिजनेस ओके है।